सभी को जोहार, नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। देखते हैं आज के सेशन में क्या है। पहली बात देख लीजिए कि क्या आपको क्लियर दिख रहा है, सभी वो आप देख लें, स्पष्ट दिखाई और सुनाई दे रहा है, पहले वो चीज क्लियर, ऑडिबल है, विजिबल है, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज से क्लास, जैसे मैंने कहा था कि शाम से शुरू हो जाएगा, तो डीएसपी की पाठशाला पर लगातार क्लासेस का जो एक दौरा है, अंतिम पहर में जो अंतिम प्रहार करना है, प्रहार अपने तरफ से हमारी टीम के द्वारा लगातार हो रखी जा रही है। आज इंग्लिश का क्लास हुआ पेपर टू के लिए, फिर रीजनिंग क्लास हुआ, मनोज जी ने रीजनिंग का क्लास लिया, और ये क्लास नहीं कर सकता, एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है 20 क्वेश्चन का, साथ ही साथ बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी था। कल फिर कुछ और सब्जेक्ट होंगे, तो रेगुलर हम लोगों की पूरी टीम के प्रयास होगी कि आपकी पे बैक टू सोसाइटी के तहत जो है वो आपको सर्विस दे सके, ताकि आप करियर डाल सके और आपका कैरियर बन सके। तो इस मुहिम में डीएसटी की पाठशाला हमेशा तत्पर रहती है। चलिए स्टार्ट करें, वेरी फर्स्ट विजिबल है, दिख पा रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों तरफ है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। वेरी फर्स्ट देखिए, पहला प्रश्न देखे, ये जो करंट अफेयर्स है मैंने आपके ग्रुप में डाला था। पहला प्रश्न है कि हाल ही में लिथियम को जो है इसे भविष्य का खजाना कहा जाता है, ठीक है, भविष्य का खजाना कहा जाता है, ट्रेजर ऑफ द फ्यूचर इसे कहा जाता है, कि लिथियम का भंडार कहाँ खोजा गया है, कहाँ मिला है, ये पहला प्रश्न है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते सर। मेरा मैसेज दिख रहा है, यस रुचि श्रीवास्तव जी का मैसेज क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा, ये मैंने आपके ग्रुप में पहले करंट अफेयर्स में डाला है, सही आंसर है कोडरमा। तो कोडरमा में लिथियम का भंडार मिला है, लिथियम को क्या बोला जाता है, लिथियम जो है वो एक एटॉमिक न्यूक्लियर मिनरल है, एक परमाणु या आणविक खनिज है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर वन की बात, क्वेश्चन नंबर टू क्यों चलते हैं, किस स्थान पर सोने के गोल्ड का दो नया भंडार मिला है, ठीक है, एट विच प्लेस टू न्यू डिपॉजिट ऑफ गोल्ड हैव बीन फाउंड, ये भी आपको मैंने अखबार में हाल में आया था, तो मैंने आपको भेजा था, तो ये सेकेंड का भी आंसर आपको बनना चाहिए, जो लोग ग्रुप से हुए हुए हैं उनको ये आंसर पहले से पता है, क्योंकि ये किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स लेटेस्ट है। तो पहला का डी आपका ठीक है, कोडरमा, एंड सेकेंड आपको बताना है कि संस्थान सही आंसर क्या होगा सेकेंड का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ रहा है तमाड़, बिल्कुल सही है, सेकेंड का आंसर क्या है तमाड़, रांची के तमाड़ में जो है दो सोने के नए भंडार मिले, तो ये दो करंट अफेयर्स से खनिज से है, खनिज से आज तीन क्वेश्चन है, तो ये प्रश्न खनिज के करंट अफेयर्स से है, और फिर आगे हम एक और क्वेश्चन आपको खनिज से मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, फटाफट बाकी लोग भी तेजी से जुड़ पाएंगे तो और अच्छा रहेगा। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, मैंने उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में डाला है, उन्होंने लिखा है कि इसरो में जो एग्जाम उनका हुआ था असिस्टेंट का, उस एग्जामिनेशन में जो बुक है करंट अफेयर्स की, जो हम लोगों की बुक है, उस बुक से चार क्वेश्चन पूछा गया था। समय आ गया है करंट अफेयर्स का, जो इस बार की जो बुक निकली है वो सब लोग उसमें काफी इम्प्रूव किया गया है बुक को, उसमें राष्ट्रीय घटना चक्र और अंतर्राष्ट्रीय उसे भी शामिल किया गया है, सब्जेक्ट वाइज कई क्वेश्चंस भी उसमें शामिल है जो कि बहुत शानदार क्वेश्चंस है, तो जिन लोगों ने नहीं लिया है वो बुक को अवश्य पढ़िए, ठीक है, तो सभी के पास वो बुक होनी चाहिए और एक बार उसका रिवीजन कर ले उस बुक से करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की मूव करते हैं, अबुआ वीर दिशोम अभियान से संबंधित कौन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया है आपका, जो मैं आपको कम्युनिटी पर डालता हूँ, कई बार कम्युनिटी पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाले जाते हैं और उसका कुछ कुछ पार्ट जो है आपके ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, तो ये मैंने अपनी कम्युनिटी पर, डीएसपी की पाठशाला की कम्युनिटी पर, फेस वॉल पर इसको डाला था,
और आपने ग्रुप में भी डाला सर, आप जीएस पढ़ाया है उससे बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, एकदम बिल्कुल आएगा, अलग क्या है, काम ही आता है। चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर किताब अच्छी है। कैसे ले सकते हैं? तो ये तो आपको ऑनलाइन शिवांगन से परचेस करना पड़ेगा, या अगर आपके आसपास के बुक स्टॉल में बिहार झारखंड में है तो आसानी से मिल पाएगा। इसमें जंगल हमर अधिकार का नारा दिया है ना, सही बात है। ये अभियान रोजगार संबंधित है, ये गलत है, क्योंकि ये पूरा अभियान वन फॉरेस्ट जंगल से संबंधित है। क्योंकि ये अभियान जंगल से संबंधित है इसमें लिखा हुआ रोजगार से संबंधित है, तो गलत हो गया, बाकी सभी सही है। तो थर्ड का इसके अनुसार आंसर हो जाएगा बी, थर्ड का क्या हो जाएगा बी, ये जंगल से संबंधित है तो रोजगार संबंधित नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आपका सही आंसर भी आ रहा है, क्या बात, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, इसको मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जोरदार प्रश्न था, करंट अफेयर्स अनटच अंशुआ पहलू था, अंशुए प्रश्न थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, मेजिया रघुनाथपुर, ये भी मैंने डीवीसी का एक डाला था आपको अलग से, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने दिया है जो आपको मैंने कम्युनिटी पर डाला था, वॉल पर डाला था, अपने उससे प्रश्न है। मेजिया और रघुनाथ, मेजिया थर्मल पावर और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन किस नदी घाटी परियोजना का अंग है, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपसे बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 सभी का सही होना चाहिए, ठीक है। मेजिया रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन आर पार्ट ऑफ विच रिवर वैली प्रोजेक्ट, मीडियम में आपको दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अब थोड़ा आराम हो जाएगा। कौन सा बुक है, करंट अफेयर्स की बुक ले लीजिए, डीएसपी की पाठशाला करंट अफेयर्स बोलेगा तो आपको मिल जाएगा। 4 का ए, एग्जाम होना बहुत जरूरी है, कौन नहीं चाहता बताइए, हम सभी और आप सभी चाहते हैं एग्जाम हो जाना चाहिए, देखिए। लेकिन चूंकि थोड़ा सा विश्वास खो दिया गया है आयोग के द्वारा, विश्वास खो दिया है, क्रेडिबिलिटी लूज कर गया है आयोग कमीशन, इसलिए थोड़ा आप लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। मोहित जी आप बुक स्टॉल में जाके ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन शिवांगन ऐप के थ्रू वहां से। मेजिया जो कि आपका लिख तो जाइएगा, बांकुड़ा में है मेजिया थर्मल स्टेशन, बांकुड़ा वेस्ट बंगाल में है। रघुनाथपुर ये भी आपका हो जाएगा पुरुलिया में है, ये दोनों डीवीसी का एक अंग है, तो दामोदर नदी आंसर हो जाएगा। 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, दामोदर नदी। कहाँ है ये मैंने आपको बता दिया, आपका मैपिंग बेहतरीन है, मेरे होने से क्या होगा, मैं तो बन गया डीएसपी, अब आपकी बारी है, आपको बनना है, मुझसे भी अच्छा मैपिंग आपको करना है। निम्न में कौन सी जनजाति अपने को सूर्यवंशी करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स कंसीडर देमसेल्फ सूर्यवंशी, कौन सी ट्राइब जो है अपने आप को सूर्यवंशी कहती है, ये आपको चलना है, ठीक है। चलिए बनाइए क्वेश्चंस को, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर आ रहा है डी, ए सी, मिली जुली रिएक्शन है, मिली जुली बातें है, सूर्यवंशी, तो सही आंसर हो जाएगा 5 का, सूर्यवंशी कौन कर रहे हैं, खरवार, तो खरवार जो है स्वयं को सूर्यवंशी करते हैं, 5 का सही आंसर हो जाएगा डी, है ना, तो खरवार जो है वो कहेगी। सब लाइक करें, अरे मैं भी बोलना भूल गया, लाइक करते चलना है, 50% लोग अभी तक लाइक किए हैं, 244 लोग जुड़े हुए हैं और 121 लाइक ही है, लाइक करते चले सब लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा 5 का डी, खरवार जनजाति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि 5 आपको अलग अलग नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मालतो भाषा का संबंध किस जनजाति से है, मालतो लैंग्वेज, मालतो भाषा का संबंध किस जनजाति से, खड़िया सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया या दोनों बोथ, तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोनों, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों राजमहल के क्षेत्र में ये मुख्य रूप से, तो दोनों हो जाएगा सही आंसर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखें। एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। अभी तुरंत मैंने इस बुक का डिटेल्स आपके ग्रुप में शेयर किया है। ग्रुप में ऑलवेज अलर्ट रहिए, अपने एसएससी के ग्रुप में मोर देन 22,000 मेंबर है, 22,000 से अधिक सब्सक्राइबर है, मेंबर है टेलीग्राम सीजीएल ग्रुप में, बट एक्टिव कम लोग रहते हैं, बहुत लोग ऐसे जुड़ने लगता है। मैं उसमें रेगुलर कुछ डालता हूँ, आप उससे अपडेट रहिएगा, ठीक है, सब अपडेट हो जाएगा, सारा टेस्ट अपडेट हो जाएगा, जितना टेस्ट बचा हुआ सारा अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन में आप सब लोग टेस्ट देना शुरू कर दिए होंगे, मुझे लगता है आप सब लोग कर रहे होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कौन तो संथाल इंट्रोडक्शन संथाल, इनकी कौन कौन सी बुक है, ये सारा मैंने जो है आपके ग्रुप में डाल दिया है, आप उसे अवश्य देखिएगा, ठीक है। जर्मिया फिलिप्स अमेरिका के जर्मिया फिलिप्स बैप्टिस्ट मिशनरी के थे। इनकी और कौन कौन सी पुस्तक है, इन्होंने उड़ीसा में भी काम किया, झारखंड में भी काम किया, बंगाल में भी काम किया, खासकर संथाल ट्राइब्स संथाल जनजातियों के लिए काम किया, और उनके बीच में जाकर उन्होंने कई किताब भी लिखी संथाल जनजातियों पर, वो बुक आप अवश्य देख लीजिए। इस बुक के अलावा और भी किताबें हैं, ये आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, है ना। तो 7 का सी आंसर हो जाएगा। 8 को देखें, ये ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है 8 वाला, वो आप देखिए। किस नदी के अफवाह क्षेत्र में, ड्रेनेज एरिया में जो है, किस नदी के ड्रेनेज एरिया में जो है वो क्या मिला है, तो वो मिला है अवशेष अशुर सिविलाइजेशन का जो है वो रिमोर मिला है। किस एरिया में जो मिला है, खूटी में, खूटी टोला हो गया या बाकी जगह हो गया, वो किस नदी के किनारे है ये आपको बताना है। 1916 में एससी राय के द्वारा इसकी खुदाई की गई, पूरे क्षेत्र में लगभग 50 ऐसे अवशेष मिले, इन 50 में तो 16 का खुदाई उत्खनन एक्सट्रैक्शन तो स्वयं एससी राय ने किया, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व वेता एससी राय, लिखते चलेगा नहीं जानते हैं तो, एससी राय के द्वारा 1916 में इस पूरे 50 स्थानों की प्राप्ति हुई, इसमें से 16 स्थान खुद खुदाई किए हैं, उसमें से सबसे फेमस है खूंटी टोला, ये तजना नदी के किनारे है। 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, बहुत अच्छा, आप लोग का भी सही आंसर आ रहा है 8 का सी, ठीक है, 8 का सी, रोरो नदी तो चाईबासा हो जाएगा, तो 8 का सही आंसर क्या हो गया सी, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग इसको लेकर, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एक और मिनरल्स आ गया, झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, झारखंड में ग्रेफाइट जो है वो कहाँ होता है सबसे अधिक, ग्रेफाइट तो ये हम लोग कर पाएंगे, बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है, ग्रेफाइट कहाँ सबसे अधिक होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आपका आ रहा है पलामू, करेक्ट आंसर भी कौन है पलामू, ए 9 का ए हो जाएगा, पलामू इज करेक्ट आंसर, झारखंड इज द मेन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ ग्रेफाइट, कौन है पलामू। नेक्स्ट है जगन्नाथ, हु बिल्ट जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल है वो किसने बनवाया है, तो रांची का ध्रुवा में जो जगन्नाथ टेम्पल है जगन्नाथपुर में, वो किसने बनवाया है, आसान प्रश्न है, मुझे लगता है आपका सही होना चाहिए, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ शाह, शिवदास कर्ण, एनी शाह और प्रताप राय, तो 10 का आपका आंसर आ रहा है, 10 का, वेरी गुड, क्या बात है, नहीं एक दो गलत भी है, मैक्सिमम लोग का सही है एनी शाह, इसका करेक्ट आंसर कौन है, एनी शाह के द्वारा बनाया गया है, कोई आप लोग जानते हैं इसमें से कि कब बनाया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 10 का एनी शाह।
बहुत बढ़िया, 1691, बहुत बढ़िया, क्या बात है, 1691 में, 1991 टाइप हो गया, 1691 मैं समझ रहा हूँ, तो एली शाह के द्वारा 1691 में जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया। 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, ए नहीं हो, रंगनाथ सा नहीं हो, गलत सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपका क्या है, तो ये है कि निम्न में किस जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उसके कुल देवता सिंहभोगा के नाम पर हुआ। सिंहभूम का नामकरण, और पकड़िए कि सिंहभूम में कौन सी जनजाति ज्यादा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब सिंहभूम इज नेम्ड आफ्टर देयर फैमिली डेटी सिंहभोगा, संथाल या मुंडा या उराव या हो, किसके नाम? क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में इसको प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। अभी विजिबल होगा किस जनजाति के अनुसार, सही आंसर क्या होगा 11 का, बहुत बढ़िया 11 का आपका आंसर आ रहा है डी, कुछ ने ए भी लिखा है, मैक्सिमम डी कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर डी। तो डी हो जनजाति के अनुसार इन लोगों ने कहा कि उनकी जो देवता है सिंह होगा उसी के नाम पर सिंहभूम रखा गया, यद्यपि कुछ और भी कारण है सिंहभूम कहने का, सिंह की टोली थी, सिंह का एरिया था, सिंह वंश। नेक्स्ट 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसको इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश देखना चाहते हैं तो प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, मैं दोनों दिखा दूंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में। दुर्जन शाह के द्वारा हीरो की पहचान, फेमस था दुर्जन शाह के द्वारा हीरो की पहचान कर लिए जाने पर, जानते हैं हम लोग इसके बारे में कहानी, जहांगीर ने उसे शाह की, पहले तो उसको कैद कर लिया, फिर मालूम चला अच्छे वो तो बहुत बड़ा जौहरी है, उसको मुक्त कर दिया, शाह की उपाधि दिया, उसको वापस किया और दुर्जन शाह ने उसके बदले में कितना कर देना स्वीकार कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिए। इस तरह से प्रश्न मिलता जुलता अभी हाल ही में लैब असिस्ट कि जो परीक्षा हुई JSSC के द्वारा उसमें इस तरह से मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपका आंसर आ रहा है, क्या बात, तैयारी आप लोगों के लिए बहुत मुकम्मल है, बहुत अच्छी तैयारी है, परीक्षा से हो जाए उसके बाद आप लोगों को नौकरी लेने से ASO बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 6000 सही आंसर क्या, 6000, 6000 इज करेक्ट आंसर। तो दुर्जन शाह इन रिटर्न दुर्जन शाह एक्सेप्टेड टू पे हाउ मच एनुअल टैक्स, 6000 टैक्स जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डेफिनेटली आई विल पे 6000 टैक्स एज अ टैक्स एज अ रेवेन्यू टू रूलर मुगल रूलर जहांगीर। 12 का बी। नेक्स्ट चलते हैं 13 की ओर। 13 रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस सेना का गठन किया था, ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान आपको बताना है किस सेना का गठन किया गया था। मुक्त वाहिनी, मिश्र वाहिनी, झारखंडी सेना, क्रांतिकारी सेना, ठीक है। विच आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाई ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इन रांची, मुक्त वाहिनी आर्मी, मिश्र वाहिनी आर्मी, झारखंडी आर्मी, रिवोल्यूशनरी आर्मी। बढ़िया, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, सभी का सही आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। तो आंसर एकदम सही है, जो आप बना रहे हैं वही है, मैं कौन होता हूँ आपको काटने वाला, सही आंसर वही है, मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी ही इनके द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। हम सब जानते हैं खरसावा गोली कांड के बारे में, तो खरसावा गोली कांड जो हुआ था उसके रिएक्शन में किस व्यक्ति ने उसकी संज्ञा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी उसकी तुलना की गई है खरसावा हत्याकांड, ये किसने कहा है, उस व्यक्ति का नाम बता रहा है आपको किसने कहा है, ठीक है। विच फेमस सोशलिस्ट लीडर रिएक्टेड शार्पली टू द खरसावा फायरिंग एंड कॉल्ड इट द जलियांवाला बाग मैसेक्रे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो बढ़िया है, अधिकांश का आंसर आ रहा है सही है, वो लोहिया, राम मनोहर लोहिया साहब ने इसे जलियांवाला बाग की से तुलना की गई।
क्या झारखंड में नहीं उड़ीसा में एक ऐसी घटना घटी है जिसे भी जलियांवाला बाग की तुलना की जाती है? क्या हम लोग कोई बोल सकेंगे कि उड़ीसा में ऐसा कौन सा हत्याकांड है, कौन सा मैसेकरे है किस जगह में, जिसमें जो पहले झारखंड का भाग हुआ करता था लेकिन फिर उसे 1936 में जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ तो वो सारा एरिया उड़ीसा में चला गया, उस हत्याकांड का नाम क्या है? जगह के नाम पर हत्याकांड का नाम होता है। क्या कोई बता पाएंगे आप लोगों में से? वो 1 जनवरी 1948, क्योंकि इंडिपेंडेंट के बाद है, आजादी के बाद है। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, तो ये आजादी के बाद का जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत अच्छा, शिव प्रसाद जी ने कहा सिमको, वेरी गुड। तो सिमको हत्याकांड, सिमको एक्चुअली गांव है, पूरा नाम है एमको सिमको। एमको सिमको एक उड़ीसा में गांव है, सुंदरगढ़ में, गंगपुर क्षेत्र में। वहां भी निर्मल मुंडा के नेतृत्व में भीड़ थी, उस पर फायरिंग की गई है, गोली चलाया गया। एक अंग्रेज थे, लिखते चले गए, एक अंग्रेज थे, उनके द्वारा E.R. मार्जर, MARGER, E.R. मार्जर जो लेफ्टिनेंट थे, उसके द्वारा फायरिंग की गई एमको सिमको गांव गंगपुर में, जो सुंदरगढ़ उड़ीसा में स्थित है। उस फायरिंग का में वहां की एक महिला भी शामिल थी जो उस एरिया की जमींदार थी और अंग्रेजों की राजनीतिक एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करती थी। उनका नाम था रानी, रानी रतन। क्या नाम था? रानी जीवन, रानी जानकी रतन नाम था। उन्होंने भी अंग्रेजों का हेल्प किया था, सपोर्ट किया था। उसमें जो लीडर थे उसका नाम था निर्मल मुंडा, लिख लीजिएगा। ये घटना घटी थी 25 अप्रैल 1939 को, 25 अप्रैल 1939 को ये घटना घटी थी, लिखते चलिएगा। और कौन अंग्रेज गोली चलाया था, और इस घटना के बाद 49 लोग मारे गए। आपकी किताब में 65 लिख दिया है, कृपया उसे काट कर 49 कर ले। उड़ीसा सरकार की जो वेबसाइट है उसमें भी 49 ही दिया है शहीद होने वालों की संख्या, ठीक है। तो कृपया किताब में इसे आप सुधार लीजिएगा, ध्यान रहेगा इसमें। इतनी बातें मैंने आपको कहा, 49 लोग जो है वो शहीद हो गए थे, 85 लोग जो है वो इंजर्ड घायल हो गए थे। इसको एमको सिमको हत्याकांड, एमको सिमको मैसेक्रे या ट्रेजडी कहा जाता है। इसकी तुलना भी की जाती है जलियांवाला बाग से। इतनी सारी जानकारी मैंने आपको सिमको हत्याकांड का दिया, किताब में तो दो ही लाइन लिखा रहता है ना। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 को चलते हैं। हरी बाबा आंदोलन, तो हरी बाबा आंदोलन झारखंड के किस समुदाय ने इस आंदोलन में भाग लिया था? गांधीयन मूवमेंट, हरी बाबा मूवमेंट, हरी बाबा आंदोलन में किस कम्युनिटी के लोग शामिल हुए थे? सर आपसे मिलना है, आप रांची आ जाएंगे तो मुझसे मुलाकात होने की संभावना तो है। चलिए बताइए, भोक्ता उराव हो कोल, हरी बाबा मूवमेंट। तो हरी बाबा मूवमेंट जो है उसमें शामिल हुए थे कौन, कौन हुए थे? हो, तो हो जनजाति जो थे वो इसमें शामिल थे हरी बाबा मूवमेंट में। कोई बता पाएंगे हरी बाबा मूवमेंट जो है वो कब हुआ था, हरी बाबा आंदोलन कब हुई थी? तो 15 का सी इज करेक्ट आंसर, बढ़िया है। कई लोगों का सही आ रहा है, कुछ का गलत भी हो पा रहा है, गलत भी हो जा रहा है। ठीक है निशु जी, 1931, मोहित जी ने आंसर लिखा 1931, रवि ने भी लिखा, निराला जी भी लिखा, निराला जी ने, ये हरी बाबा है, हरी बाबा ये 1931 में हुआ था।
ठीक है। तो ये झारखंड का सबसे लास्ट आंदोलन में से एक माना जाता है, जो आजादी के पहले हुआ 1931 में हुआ, ठीक है। हरी बाबा 15 हो गया हम लोगों का। 16 देखते हैं, झारखंड में भूगोल आ जाता है, झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेट इज फाउंड इन झारखंड, झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ट्रॉपिकल मानसून, टेम्परेट ट्रॉपिकल, पोलर टाइप या ऑल टाइप्स, झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अमन का आंसर सही है बिल्कुल, 360 डिग्री का भी आंसर सही है। अपना नाम कम से लिखा करे तो पकड़ में आएगा ना किसका क्या नाम। बहुत अच्छा, सभी लोगों का फटाफट इसका आंसर आ रहा है। इसका आंसर बिल्कुल सही है जो आपने बना है, ए। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ए, ट्रॉपिकल मानसून टाइप, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार, 16 का ए। 17 को देखते हैं, झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। हाउ मेनी मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर देयर इन झारखंड, कितने औद्योगिक केंद्र है झारखंड में। ये भी मुझे लगता है कि आप लोग इसको बना पाएंगे। आपका आंसर आ रहा है, कुछ का आंसर 4, मैक्सिमम लोगों का आंसर 4 आ रहा है, ऑप्शन ए सही कर रहे हैं, ठीक है, सही बात है। तो ये आंसर भी ए है। क्या क्वेश्चन लेवल इंक्रीज है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, 4, 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, 4, वेरी गुड। अठारह को देखें, झारखंड राज्य की भूगर्भिक संरचना की बात हम करेंगे, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, इसमें से सबसे नवीनतम चट्टान कौन है, सबसे नया कौन है, ठीक है, विच इज न्यूली, वेरी न्यूली, नया कौन है, विच ऑफ द लोएस्ट, तो सबसे नया कौन है, कौन से एरिया को, तो ये आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा, धारवाड़ सीरीज की रॉक है या विंध सीरीज की रॉक है, गोंडवाना या जलोड़ की है, जलोड़ मतलब अलुवियल रॉक, अलुवियल डिपॉजिट रॉक से बनी है, कौन, इसमें से आपको ये बताना है। बहुत अच्छा, बढ़िया है, तो आपका आंसर आ रहा है और सभी लोगों का लगभग आंसर मैं देख पा रहा हूं कि आप सभी 410 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से कई लोगों का आंसर दिख रहा है, वह है जलोढ़ डी, एक का आंसर ए दिखा मुझे, बाकी सब लोगों का आंसर डी लिखा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मैं खुश कर दिया आपको, 18 का डी, कोई रोक नहीं सकता आपको रिजल्ट देने से, बस परीक्षा हो जाए। नेक्स्ट, झारखंड का करंट अफेयर, झारखंड का कौन सा व्यक्ति चंद्रयान 3 ऑर्बिटर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग टीम के मेंबर थे, चंद्रयान टीम के ऑर्बिटर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग टीम के मेंबर थे झारखंड के, ये बताना है आपको। ये थोड़ा सा टफ हो गया लगता है, यूज जा है कि सोहन है, आपका आंसर सबका आ रहा है आयुष झा, इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। विच पर्सन फ्रॉम झारखंड वाज अ मेंबर ऑफ चंद्रयान 3 ऑर्बिटर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग टीम, इसमें सोहन सिंह, एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, बट जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इसमें सोहन सिंह, आप लोगों का आंसर मैक्सिमम आयुष झा आया, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज कर गया कि आयुष झा तो नहीं थे, तो एक बार आप अवश्य से देख लीजिएगा कौन है, बट मेरे अनुसार मेरी जानकारी में सोहन सिंह, सोहन यादव, सोहन सिंह तो हमारे पत्रकार है रांची के, सोहन यादव,
एक बार आप आवाज से चेक कर लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पूरा पिक्चर के साथ पूरा पेपर कटिंग डाला था आपके ग्रुप में, वहीं से क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। सोहन और आयुष दोनों थे, आयुष जो है वो किसी दूसरे टीम में थे जहां तक तो मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है, टेस्टिंग टीम में या इसमें नहीं थे वो। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर को देखिए, ठीक है, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया, आउटस्टैंडिंग एमएलए अवार्ड जो है बिरसा मुंडा, आउटस्टैंडिंग एमएलए अवार्ड 2023, ये किसे दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको आपके ग्रुप में सीजीएल के टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, पेपर कटिंग्स भी डाला था मैंने, तो ये मुझे लगता है आप लोग बना पाएंगे। बढ़िया है, चलो ठीक है। मोनिका एक आंसर है, सही आंसर है रामचंद्र सिंह, तो रामचंद्र सिंह साहब जो है माननीय रामचंद्र सिंह साहब, उन्हें आउटस्टैंडिंग उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 दिया है। क्या बता पाएंगे कि 2022 किसको मिला था, तो 2022 को मिला था किसको, विनोद सिंह साहब को मिला था 2022 का उत्कृष्ट विधायक आउटस्टैंडिंग एमएलए का अवार्ड 2022 का मिला था इनको, और अभी मिला है 23 का रामचंद्र सिंह। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएलए वाज अवार्डेड द बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग एमएलए अवार्ड किसको, दैट इज रामचंद्र सिंह। मूव कर रहे हैं लोग आगे की ओर, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, काफी चर्चा में योजना है, जैसे आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार जितना चर्चित है उसी प्रकार ये भी बहुत चर्चित योजना है, आप इसे ध्यान से अवश्य ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में इसे क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको बताना ये किसको रिप्लेस करके आई है। ठीक है, किसको रिप्लेस करके ये दिया गया है, तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर यह योजना शुरू की गई है बालिकाओं के लिए। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना विल रिप्लेस विच स्कीम, बोलो जानो, चीफ मिनिस्टर सुकन्या योजना, पंख योजना, समर योजना। ठीक भैया, ये वाला पोस्टर एचआर ब्लॉक में देखे क्या है सुकन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्यों चलते हैं, बजट 2023-24 में खेल कूद को बढ़ाने के लिए किस क्लब की स्थापना, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको जब मैंने बजट पढ़ाया था, ये क्वेश्चन था, ठीक है, बताइए उस क्लब का नाम क्या है, क्लब का नाम बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा ना, ए हो जाएगा, सिद्धो कानो, क्या हो जाएगा, सिद्धो कानो क्लब, फोटो क्लब नहीं, सिद्धो कानो क्लब, मैक्सिमम क्या सर फोटो क्लब आ रहा है क्या, एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिए बजट में ये क्या होगा, सिद्धो कानो क्लब। विच क्लब इज प्रपोज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन बजट 2023-24, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं, IFSR जो रिपोर्ट है इंडियन इंटर फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट जो है उसका, उसके अनुसार जो है वो झारखंड के क्या स्थान है, वन वृद्धि में,
फॉरेस्ट ग्रोथ में झारखंड का कौन सा प्लेस है, कौन सा स्थान है? वन वृद्धि में, ठीक है सर। जनरल साइंस का प्रैक्टिस कब करवाएंगे? शुरू करवाएंगे हम लोग, शुरू करवाएंगे, थोड़ा ये सब हो रहा है, आज शुरू किया ना हम लोगों ने कई टेस्ट, आज आपका रीजनिंग भी स्टार्ट हो गया, इंग्लिश भी स्टार्ट हो गया है, मैं तो ले ही रहा हूँ, कल हो सकता है आपका कुछ मैथ्स एंड जी ए सब कुछ सेक्शन हो जाए। नेक्स्ट क्या स्थान है, तो वन वृद्धि में झारखंड का क्या स्थान है? पहला स्थान तो आंध्र प्रदेश का है, दूसरा स्थान तेलंगाना का है ना, झारखंड का क्या स्थान है? पांचवा स्थान है, फिफ्थ प्लेस। 23 का सही आंसर हो जाएगा फिफ्थ प्लेस, फॉरेस्ट ग्रोथ में झारखंड का प्लेस पांचवा स्थान है, तो इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं, राउत मांझी भोक्ता देवारी महतो आदि किसकी उपजातियां हैं, किसकी सब कास्ट है? राउत मांझी भोक्ता देवारी महतो किस की सब कास्ट है, उपजातियां हैं? मुंडा खड़िया बिरोर हरवार। तो ये सभी खरवार की उपजातियां हैं, किसकी है? खरवार की उपजातियां हैं, सही आंसर हो जाएगा इसमें डी। थोड़ा सा आप लोगों को ये सब जाति जनजातियों पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसका ध्यान देने की थोड़ी आवश्यकता है। करेक्ट आंसर इज खरवार डी, जो अब इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्यों चलते हैं, झारखंड एक विधायकीय राज्य है, झारखंड इज लेटिव स्टेट, कैसा विधायकीय राज्य है? क्या यहाँ यूनिकैमरल है, एक सदन है, ट्राई कैमरल है, बाई कैमरल है, फोर्थ चैम्बर्स है, एक सदन है, दो सदन है, तीन सदन है, झारखंड में कितना सदन है? विधानसभा, विधान परिषद, और भी कुछ है ये बताना। तो झारखंड में क्या है, एक तो सिंपल क्वेश्चन है, यूनिकैमरल है, एक सदन है, यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो बताइए भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद भी है, ऐसे कितने स्टेट है इंडिया में जहां पर द्विसदनात्मक सदन है, बाई कैमरल है, ये आपको बताना है, नाम भी अगर बता पाएंगे तो अति उत्तम, संख्या और नाम अगर आप बता पाए तो। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, एकल है, सिर्फ विधानसभा है, यहाँ परिषद नहीं, काउंसिल नहीं है, सिर्फ असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ नहीं है। छह स्टेट बढ़िया है, छह राज्य है जहां पर बाई कैमरल है, दोनों है, गुड, सही आंसर। नेक्स्ट 26 के चलते हैं, झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इसमें से सबसे अधिक किसका है, आपको ये बताना है इनमें से सबसे अधिक किसका है। तो 26 का सही आंसर आ पा रहा है, आज कुछ विद्यार्थी कम है, सब लोग लगता है कल आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं क्या, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक यूपी बिहार, लाइक भी कम है अभी तक, जैसा आप लोग करते हैं लाइक कम करते हैं, थोड़ा सा लाइक हुआ बढ़ाइए। नेक्स्ट सही आंसर होगा धनबाद, 26 का ए, धनबाद इज करेक्ट आंसर, लाइक करना भूल गए हैं, ठीक है। विच सिटी ऑफ झारखंड हैज द लार्जेस्ट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, धनबाद। 27 की चलते हैं, झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है, यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हुडको लेक इज लोकेटेड, किस राज्य में हुडको झील है, तो बहुत सरल क्वेश्चन था, ठीक है।
बहुत बढ़िया किए, शाबाश जी। जमशेदपुर, ठीक है, गुड। सही आंसर क्या है? जमशेदपुर में है। का ए करेक्ट आंसर है, आप सभी का सही होगा। झारखंड में आदिम जनजाति आदिम आदिवासी समूह के लिए बने मुफ्त चावल योजना का नाम क्या दिया गया है? आर योजना, पीटीजी, डाकिया योजना, उजाला योजना, बाल गरीब समृद्धि योजना। योजना से मैंने दो तीन तीन क्वेश्चन दिए हैं। 27 का सही आंसर क्या होगा, एक बार ध्यान से देखिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही आंसर आ रहा आप लोगों का। आकाश का, प्रेमनाथ का, स्टडी वेपन्स का, केशु का, राकेश, विकास, आयुष, सभी का सही आंसर है। सही योजना पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, ये करेक्ट आंसर। स्कीम, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। 29, डोकरा, डोकरा कला का प्रयोग किस चीज में की जाती है? डोकरा आर्ट, डोकरा आर्ट का यूज किस चीज में किया जाता है? नाइन, डोकरा आर्ट कास्टिंग बेस्ड है, हड़प्पा संस्कृति में भी इसका यूज किया गया था, हड़प्पा कल्चर में भी कुछ चीज बनाने में है ना, किसमें इस्तेमाल की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा किसमें, मेकिंग स्टैचूज, मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल की जाती है। वैक्स के द्वारा जो है वो लॉस्ट वैक्स मेथड बोलते हैं इसको, इसमें खांचा तैयार करके उसमें मेल्ट करके डाल दिया जाता है, तो उसे खांचा से मूर्ति बन जाती है। ये लॉस्ट वैक्स, तो वैक्स लॉस्ट मेथड जो है ये हड़प्पा संस्कृति में भी इस्तेमाल की जाती थी स्टैचू बनाने में। जैसे आप कहते हैं ब्रॉन्ज का जो डांसिंग लेडी है जो मिला है आपको, वो भी इसी मेथड से बनाया जाता था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की स्थापना किस वर्ष हुई है? इन विच ईयर वाज द रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री स्टाब्लिश्ड? किस साल बनाई गई है ये आपको बताना है। चलिए आपका आंसर आ रहा है, सही है, ए बी मिली जुली, मैक्सिमम लोग 1961 करेक्ट बना पा रहे हैं, बाकी लोग थोड़ा सा मिली जुली सरकार बना रहे हैं। लास्ट गलत नहीं होना चाहिए, सभी का लास्ट सही होना चाहिए। थर्ड आंसर क्या है? 1961 इज करेक्ट आंसर, 1961। तो ये थे 30 अनमोल प्रश्न आपके लिए। अनमोल क्यों है कि काश इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए, और ऐसा अक्सर होता है मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता हूँ तो क्वेश्चन इंटरव्यू में आ जाता है, मैं आपके टेस्ट में पूछता हूँ तो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो अनुभव तो ऑलवेज मैटर करता है, एक्सपीरियंस डज मैटर, ठीक है। तो आप सब लोग को उम्मीद करता हूं कि 30 प्रश्नों में आपका परफॉर्मेंस कैसा गया, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए देख लीजिए, राइट कितना हुआ एंड रॉन्ग कितना हुआ, आर कितना हुआ एंड डब्ल्यू कितना हुआ। चलिए ठीक है, आई होप ये बढ़िया क्वेश्चन मिला होगा आपको, नए नए क्वेश्चन आपको मिले होंगे आज, अच्छे प्रश्नों का पूरा जखीरा एक ग्रुप था आज। बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, मन लगा, कुछ नया सीखने को मिला, सेल्फ टेस्टिंग हुआ, आपका अपना एनालिसिस हुआ कि हाँ आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ कमी रह जा रही है, क्या अच्छा कर पा रहे हैं, ये आपने देखा होगा अभी तक। जेपीएससी का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, जेपीएससी का मैंने आज पब्लिक एड का भी क्लास लिया था, लोक प्रशासन, तो जितने लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लोक प्रशासन का इस तरह का मैं कुछ क्लास लेता हूँ यूट्यूब पर, तो आप अवश्य देखिए, क्योंकि मैं खुद एक लोक प्रशासक हूँ, एक ब्यूरोक्रेट हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगा तो उसका अलग लेवल होगा, क्योंकि मैं उसमें एप्लीकेबल अप्रोच डालता हूँ जो प्रैक्टिकल हो होता है, अपने आसपास की चीजों को हम लोग उसमें पुट कर सकते हैं, एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ,
इलस्ट्रेशन उदाहरण देने से आपको ज्यादा नंबर आएगा। तो आप जिन लोगों ने पब्लिक आईडी क्लास किया होगा तो रेगुलर कीजिए जेपीएससी का, और जो जेएसएससी में लगे हुए हैं एकदम अभी कुछ नहीं छोड़ो, सब छोड़ के जेएसएससी पर ही ध्यान देना है, पास एग्जामिनेशन आपका हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार परीक्षा हो जानी चाहिए। शुभरात्रि आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि, जय हिंद, जोहार। बहुत जल्द कोशिश करूंगा कल दोबारा मिलूं, और कल कई और सब्जेक्ट भी डीएसपी की पाठशाला पर प्रैक्टिस सेशन चलेगा। अंतिम पहर में अंतिम प्रहार, जोहार।